नमस्कार। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गुजराती वेज उपमा। ये एक बहुत ही लाइट हेल्दी डाइट है जिसे हम अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूजी को यहाँ पे गैस पे भूनेंगे। ये देखिए सूजी धीरे धीरे गैस पे भून रही है। अब हम एक डोंगे में पानी को बॉइल करने के लिए रख देंगे। यहाँ हम कढ़ाई गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद में कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पोहा बनाने के लिए चाहिए हमें चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड बीन्स, पीस, चॉप्ड पोटैटो, थोड़ी सी किशमिश, उड़द की दाल जिसको हमने अच्छी तरह से धोया है, एंड ग्रीन चिली एंड अनियन चॉप्ड। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा ऑयल हीट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। इसमें प्याज डालेंगे। ये चॉप्ड तीनों चीजें, चिली, उड़द की भीगी हुई दाल और किशमिश, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अगर आप मिर्ची तीखी खाते हैं तो रेड मिर्ची का तड़का भी लगा सकते हैं, और इफ़ यू लाइक मूंगफली ऑल्सो तो मूंगफली भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हल्का सा रेड चिली पाउडर। अब हम ये देख रहे हैं कि प्याज पिंकिश हो रहे हैं और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ये अच्छी तरह से गर्म पानी से धुली हुई वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। स्लो गैस पे इसे ढक्कन रख देंगे और गैस बिल्कुल सिम पे रखेंगे और इसे पकने देंगे। 10 टू 15 मिनट में इट गेट टेंडर। टेंडर होने के बाद हम ये जो सूजी हमारी अच्छी तरह भुन गई है ये इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्जी को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो जले ना, और उसे फर्दर ढक कर रख देंगे जब तक वो टेंडर ना हो जाए। ये हमारी सब्जी टेंडर हो गई है। अब हम इन्हें इसमें लाल चिली, रेड चिली डाल दिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ये जो सूजी हमने भुनी है ये इसके अंदर डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए अब इसको वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है और धीरे धीरे ये सूजी फूल के मोटी सी हो रही है, और 2-5 मिनट के अंदर हमारा ये उपमा जब पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा उपमा रेडी हो जाएगा। अब हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई से चिपक भी सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है, ये देखिए। ये बहुत ही हेल्दी डाइट होती है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और जो लोग डाइट कंट्रोलिंग करते हैं, जिनको वेट लॉस करना है, तो वो लोग अगर ये इस तरह की डाइटें लेते हैं
तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज रिच ऑफ आयरन, रिच ऑफ विटामिन, रिच ऑफ मिनरल्स. तो ऐसी चीज़ खा के, और लाइट वेट है तो इससे स्टमक भी अपसेट नहीं होता है. तो सुबह के ब्रेकफास्ट में दिस इज़ वेरी हेल्दी डाइट. उपमा मैंने हार्ट शेप कटोरी में डाल लिया है. अब इसे मैं प्लेट पे बैक टर्न करूँगी. डेकोरेट विथ कोरिएंडर लीव्स. आई यूज भुजिया. अब मैं इसे थोड़ा भुजिया वगैरह से अच्छी तरह से फैला के डेकोरेट कर दूंगी. लिटिल बिट सॉस से मैं इसे डेकोरेट करूंगी. हमारा वेज गुजराती उपमा रेडी है.